नमस्कार, ग्लोबल मास्टर हिप्नोटिज्म एंड मैग्नेटिज्म हीलिंग एकेडमी की ओर से मैं के हिलर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हीलिंग पार्ट, हीलिंग के बारे में मुझे बहुत से ऐसे फोन आते हैं और पूछते हैं कि सर, हीलिंग जो है ये हीलिंग किस तरह से किया जाता है? आप कुछ तो भी ऐसा हाथ वगैरह ऐसा कुछ घुमाते हैं, ऐसा कुछ करते हो, बाद में ऐसा ऐसा कुछ करते हो, ऐसा मुझे बहुत बार पूछा गया है। तो मैं उन दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि दोस्तों, जो हीलिंग पार्ट होता है, हीलिंग में वाइब्रेशंस जो होते हैं वो हमारे हाथों से निकलते हैं। जो वाइब्रेशंस होते हैं, जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं, जो कॉस्मिक एनर्जी के वाइब्रेशंस होते हैं, वो इन हाथों से निकलते हैं। और ये जब निकलते हैं तो ऐसे ही नहीं निकलते हैं कि बस ऐसा हाथ कर दिया और हो गया। इसके लिए एक बहुत सी प्रोसेस होती है, एक लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है, जो हम जब आपको कोई मैग्नेटिज्म या मेस्मेरिज्म सिखाते हैं उसमें वो प्रोसेस आपको करने के लिए बोलते हैं, आपसे करवा लिया जाता है। वो आपको उतना सक्षम बनाया जाता है कि आपके हाथों से भी वो वाइब्रेशंस निकले। और जब आप फिर किसी को हील करने के जाओ तो हील जब भी जैसे भी आप करोगे तो आपके हाथों से वो वाइब्रेशंस निकलेगी, वो एनर्जी निकलेगी, और वह एनर्जी उस पर्टिकुलर पार्ट पे, यानी जहाँ पे पेन है उस पर वो जाएगी, वहाँ पे आप एनर्जी को स्टोर करोगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कहीं पे सूजन है और सूजन बैठ नहीं रही है, तो वहाँ पे वो हील करो, आप वहाँ पे उस एनर्जी को छोड़ो, एक दो तीन टाइप की एनर्जी आप वहाँ पे छोड़ो, उस एनर्जी का ब्लास्ट होगा। और जैसे ही उसका ब्लास्ट होगा, वहाँ का जो भी दर्द है, वहाँ का जो भी जो प्रॉब्लम्स है वहाँ पे, वो सारे वहाँ पे रिमूव हो जाते हैं। ये प्रक्रिया जो है ये लेट भी होती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी है कि जो आप तुरंत करते हो और उसे तुरंत आराम होता है। डिप्रेशन के केस में भी यही किया जाता है, जिसके डिप्रेशन में हिप्नोटिज्म किया जाता है। हिप्नोटिज्म में होता क्या है कि कॉन्शियस माइंड को डाइवर्ट करके सब कॉन्शियस माइंड में उसे पहुंचो, उसके पहुंचना है, वहां पे जाके परमिशन देना है, और उस व्यक्ति का फिर वो जो विचार है उस विचारों की गति को कम कर देना है, या फिर उसे नष्ट कर देना है या समाप्त कर देना है, और वहां पे कोई नया विचार वहां पर हमें भरना है। ये प्रक्रिया होती है हिप्नोटिज्म में। लेकिन यदि आप हिप्नोटिज्म के साथ साथ मैग्नेटिज्म का प्रयोग करें या मिस्मरिज्म का प्रयोग करें या उस एनर्जी का प्रयोग करें तो बहुत ही कारगर होता है। बहुत से लोग मैग्नेटिज्म मिस्मरिज्म सिखाते हैं, और कुछ कुछ लोग कुछ ये भी कहते हैं, कुछ यूट्यूब में ऐसा भी बोलते हैं कि ये कुछ होता नहीं है, फलाना है, ऐसा ऐसा है। मैं उन पर कोई कोट नहीं करूँगा। देखिए, हर एक का स्वतंत्र है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, वो उनकी अपनी नीति है या उनका अपना विचार है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि मैग्नेटिज्म जो है वो अगर सीखना है तो उसे सही ढंग से सीखना है। केवल ऐसा नहीं है कि गए सीख लिए, कुछ तो भी कर दिया, वो ऐसा ऐसा किया, एक आदमी गिर गया और देखो हमने गिरा दिया, ऐसा नहीं होता है। हमें गिराना नहीं है, हमको गिरा के क्या करना है, हमें तो उसे ट्रांस में लेके जाना है। और सही अगर उसकी प्रक्रिया अगर करनी है तो वो जब व्यक्ति ट्रांस में जाएगा उसके बाद सही प्रक्रिया होती है, वो मेन है। क्योंकि आपके पास जो भी व्यक्ति आएगा वो कहीं सिर्फ ऐसे गिरने के लिए थोड़ी आएगा, वो ये थोड़ी कहेगा कि हाँ मुझे गिरना है, वो तो वैसे भी घर जाके गिर सकता है। गिरना नहीं है उसे, उसे उसका जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशंस उसे चाहिए, वो आपके पास सॉल्यूशंस के लिए आता है। ना कि ऐसा भी नहीं है कि समझ लो आप कोई कहता है कि हाँ चलते हुए व्यक्ति को गिरा के बताओ, तो यहाँ पे ये गिरा के बताओ वाला कहाँ पे आया है? यहाँ पे किसी को कोई चैलेंज है कि चैलेंज के लिए? दोस्तों, एनर्जी किसी को चैलेंज नहीं करती है, एनर्जी के लिए कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि ये चैलेंज के लिए बैठे नहीं है, चैलेंज के लिए एनर्जी नहीं आती है। जो व्यक्ति साधक होता है उसमें संयम नाम की एक चीज होती है। अगर उसमें संयम है और उसकी वाणी में मधुरता है, उसके वाणी में वो कौशल्य है, तो ही एनर्जी उसके पास होती है। अब अगर वो फ्रस्ट्रेट हो जाए और फ्रस्ट्रेट होकर कुछ भी कह दे तो वो साधक नहीं बनता। इसलिए साधक का पहला नियम है, अगर साधक बनना है उसे, और सही में वो अच्छा साधक है और उसने कभी कभार तपश्चर्या की होगी, कभी 20 साल 25 साल 30 साल अगर ऐसी कुछ की होगी, तो सबसे पहला गुण उसमें अगर वो रहेगा तो वो रहेगा संयम। संयम से बात करना, संयम से ही बोलना, और बोलते वक्त हमारे शब्द क्या निकल रहे हैं उस पर पूरा ध्यान देना, ना कि किसी पर कटाक्ष करना, अननेसेसरी कटाक्ष करके। वो ये जता दिया देता है कि वो साधक नहीं है, वो ढोंगी है।
वो साधक नहीं है, वो केवल साधक होने का नाटक करता है। इसमें इसी तरह इसमें किसी वेशभूषा की भी कोई जरूरत नहीं है मैग्नेटिज्म में कि आपको कोई वेशभूषा ही पहनना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जो आपका वास्तविक स्वरूप है उसी में आप कर सकते हो, क्योंकि एनर्जी आपके शरीर के अंदर होती है, ना कि बाहरी जो पहरा होता है हमारा उस पर नहीं होती है। एनर्जी अंदर होती है, हमारे शरीर में होती है, और उसको हम बाहर निकाल कर लोगों को हील करते हैं। हीलिंग, हीलिंग प्रोसेस, हिप्नोटिज्म भी एक प्रकार का हीलिंग ही है। डिप्रेशन से किसी व्यक्ति को बाहर निकालना, ये बहुत जरूरी होता है, डिप्रेशन से किसी व्यक्ति को बाहर निकालना। उसी के साथ साथ उसके कोई जो बैड हैबिट्स हो गए उसको दूर करना, उस बैड हैबिट्स को दूर करना, ये भी एक हिप्नोटिज्म में कार्य किया जाता है। और आज के दौर में बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं, बहुत सारे लोग पैसों की तंगी में जूझ रहे हैं, उसी के कारण उनका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो गिरता जा रहा है। तो उसके लिए हिप्नोथेरेपी एक बहुत ही कारगर उपाय है, क्योंकि देखिए कोई भी दवाई अगर हम लेते हैं तो दवाई के साइड इफेक्ट भी रहेंगे, लेकिन यहाँ कोई भी दवाई आपके शरीर के अंदर नहीं जाती है, केवल जाते हैं तो वो शब्द, और वो भी आपके दिमाग में, और शब्द से हमारा जो प्रॉब्लम्स है वो जो प्रॉब्लम्स है वो सारे सारे प्रॉब्लम्स रिमूव हो जाते हैं, वहां पे नष्ट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो हिप्नोथेरेपी एक बहुत अच्छी प्रक्रिया। आप हिप्नोटिज्म सीखिए, हिप्नोटिज्म सीखकर आप लोगों को हील कर सकते हो, और केवल लोगों को नहीं तो स्वयं को भी आप हील कर सकते हो। उसकी एक प्रक्रिया जिसे सेल्फ हिप्नोटिज्म कहा जाता है, तो सेल्फ हिप्नोटिज्म करने की भी एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। कहा जाता है कि सेल्फ हिप्नोसिस क्या, सो जाइए, ऐसा कीजिए, आप स्वयं को सूचना दीजिए, ये सेल्फ हिप्नोसिस, ऐसा नहीं है। सेल्फ हिप्नोसिस के लिए बहुत बड़ी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया अगर की जाए तो आदमी सेल्फ हिप्नोटाइज होता है, वरना आदमी है सेल्फ हिप्नोटाइज नहीं होता है। जो भी कहता है कि नहीं हम आपको सिखा देंगे सेल्फ हिप्नोटाइज कैसा करना है वगैरह, ऐसा नहीं होता है। हाँ, सिखाते हैं का मतलब ये है कि अगर वो सही में सिखाते हैं कुछ और वो प्रक्रिया सही सही सिखाते हैं तो ठीक है, लेकिन ऐसे ही हम सिखा दिया, हाँ ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, ऐसा नहीं होता है। एक प्रक्रिया देखिए, ध्यान जो है ना, ध्यान लगना चाहिए, हर किसी व्यक्ति का ध्यान नहीं लगता है, मन में विचार बहुत आते रहते हैं, उन विचारों को किस तरह दूर करना है वही सबसे बड़ी चीज होती है। उस विचारों को दूर करना, वो करने की जो प्रक्रिया है उससे सेल्फ हिप्नोटिज्म कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि मैंने एक व्यक्ति को किस तरह से हील किया। हीलिंग प्रोसेस देखिए, मैं उसमें कुछ एनर्जी भी भर रहा हूँ, उस वक्त हमारे दिमाग में क्या विचार होने चाहिए, किस तरह के विचार हम रख कर और कौन सी एनर्जी बुलाकर और कौन सी एनर्जी उस पर छोड़ रहे हैं, और सही में वो एनर्जी काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये भी वहां देखा जाता है। अब मैं आपको एक आगे एक वीडियो देखिएगा, मैं एक व्यक्ति को कर रहा हूँ, थोड़ा डिप्रेशन का प्रॉब्लम था और उसका मैंने हील किया है, वो उसे लेटाया है मैंने, और उसे पूरा मैग्नेटिज्म के हिसाब से जो भी मैंने एनर्जी को जो कॉल किया था वो एनर्जी वहाँ पे फिलअप कर रहा हूँ। केवल व्यक्ति को गिराना ये नहीं है, और वो व्यक्ति जो अभी आपको लेटा हुआ दिखेगा तो उसे मैंने गिराया नहीं है, ऑलरेडी उसे मैं पहले उसे ट्रांस में लेके गया, उसे पहले बिठाया, बिठाने के बाद उसको मैंने थोड़ा ट्रांस में लिया और फिर उसको लेटाया, यानी पहले मैंने गिराया नहीं उसे, लेटाया उसे, वो लेटा हुआ व्यक्ति था, और फिर वो फुल ट्रांस में गया, और जब फुल ट्रांस में गया तब उसके चक्रास को मैंने हील किया, उसमें एनर्जी छोड़ी। आप देखोगे, देखिए किस तरह से किया है। और यदि आपको हिप्नोटिज्म सीखना है तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो ही रहा होगा, तो आप इससे इस पर मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, और मैं एक दिन का हिप्नोटिज्म का क्लास लेता हूँ संडे के दिन अमरावती महाराष्ट्र में। और यदि आपको ऑनलाइन सीखना है तो ऑनलाइन भी मैं सिखाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों ने यह कहा कि सर आप ऑनलाइन सिखाइए, इसके पूर्व मैंने मेरे एक वीडियो में कहा था कि ऑनलाइन मत सीखिए, ऑनलाइन में कुछ ही नहीं है, और सही में ऑनलाइन में इसका मतलब ये नहीं है कि ऑनलाइन में सीखता नहीं है इंसान, ऑनलाइन में भी सीखता है, सिखाने की एक मेथड होती है उससे सीखता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन सीखते हो तो आप प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रैक्टिस करते हो, और ऑनलाइन में आपको वहां पे करनी पड़ती है, लेकिन वो भी बहुत ही कारगर होती है, ऐसी नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने अभी सीखा है और वो कर रहे हैं, तो यदि आपको ऑनलाइन सीखना है तो मैं ऑनलाइन भी सिखा रहा हूँ अभी, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन में मैं आपको, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, मैं आपको उसमें हिप्नोटिज्म, सेल्फ हिप्नोटिज्म किस तरह से होता है वो बताता हूँ,
उसके साथ साथ उसमें आपको इंस्टेंट हिप्नोटिज्म किस तरह से किया जाता है वो बताता हूँ, साथ ही स्टेज हिप्नोटिज्म कैसे करते हैं, क्या क्या होता है वहाँ पे, वो मैं आपको उसमें बताता हूँ। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि टेक्निकल चीज़ें मैं बताता हूँ, उसमें कोई भी ऐसा जो हमारा पुराण जो था जैसे महाभारत रामायण और वहाँ की का बातें ना बताते हुए मैं केवल और केवल टेक्निकल बातों पे आपको भर देकर मैं टेक्निकल बातें आपको बताता हूँ। और एक दिन में ऑफलाइन में आदमी हिप्नोटिज्म सीखता है और बहुत अच्छे ढंग से सीखता है। और यदि आपको ऑनलाइन सीखना है तो ऑनलाइन में मेरा 4 दिन का कोर्स होता है, रोज 2 घंटे शाम को 7 से लेकर 9 बजे तक रोज मैं सिखाता हूँ, और 4 दिनों में आप सीख जाते हो। तो आइए देखते हैं एक वीडियो। धन्यवाद।